ये है गाइस स्मार्ट वॉच एंड आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। T900 Pro Max स्मार्ट वॉच है एंड स्मार्ट वॉच नाइट। इसके बॉक्स में मेंशन है वायरलेस चार्जर के साथ आती है तो भी चेक करेंगे। और सीरीज 9 स्पेस एल्युमिनियम केस 45 mm। और इस टाइप के और भी काफ़ी वॉचेस आती है, फिलहाल अनबॉक्स भी कर चुके हैं। ये T900 है, T800 है एंड ये हमें काफ़ी प्रीमियम लगी देखने में। तो चलिए पहले अनबॉक्स करते हैं। जो गाइस इसका प्राइस है ₹699 की वॉच है, ₹699 की। बाकी लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, अगर आप बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये इसका बॉक्स है, चलिए बॉक्स के अंदर देखते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पर हमें एक पहले यूज़र मैनुअल मिलता है, यूज़र मैनुअल में काफ़ी डिटेल्स रहती है अबाउट द वॉच की कैसे कनेक्ट करना है एंड और भी काफ़ी। सो ये है गाइस डायल। जो डायल की अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का, तो पहले इसे रिमूव कर देते हैं। एंड माइक्रोफोन है, क्राउन बटन है, पावर ऑफ एंड ऑन बटन है, स्पीकर भी है कॉलिंग के लिए इसमें। एंड ये इसका चार्जर है गाइस, ये एक वायरलेस चार्जर है जो कि टाइप ए के साथ आता है ये देखिए। एंड क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी इसकी। और ये इसके स्ट्रैप हैं, ये एक सिलिकन स्ट्रैप है, काफ़ी स्मूथ है एंड और देखने में भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। ये फ्लेक्सिबल भी हैं, अच्छे हैं। बाकी गाइस तो पहले से ऑन कर लेते हैं हम। तो हाई वॉच प्रो पर क्लिक कर आया था कुछ, तो ये एप्लीकेशन का नाम है जिससे कनेक्ट होगी। बाकी इसमें वॉच फेसेस भी काफ़ी हैं, टैप करके भी हम चेंज कर सकते हैं। और डायल तो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है ये देखिए। एंड जिसका यूआई है वो भी काफ़ी स्मूथली वर्क कर रहा है इस टाइप से कुछ। अगर आप मैन्यू स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो स्वाइप अप करिए, स्टाइल पर टैप करिए एंड ये है लिस्ट स्टाइल। ऐप के आगे नेम भी मेंशन है जो कि काफ़ी इजी है। और थर्ड स्टाइल देखते हैं किस टाइप का है। तो गाइस ये 4 पैलेस टाइप में है, जो भी इजी लगे सही लगे वो हम यूज़ कर सकते हैं। बाकी 4th देखते हैं किस टाइप में है। तो 4th मेन्यू स्टाइल सर्कल टाइप में है एंड काफ़ी ये भी सही लग रहा है। और देखते हैं कितने टाइप के हैं इसमें। सो 5th देखते हैं मेन्यू स्टाइल, ये भी सर्कल टाइप है, मतलब कि काफ़ी मिलते जुलते हैं आधे। ये देखिए ये भी सर्कल टाइप में है, जो भी इजी लगे वो हम लगा सकते हैं। बाकी स्प्लिट स्क्रीन भी है एंड हार्ट रेट सेंसर भी है इसमें, ये देखिए। बाकी इसके सेंसर तो अनएक्यूरेट हैं, कोई भी एक्यूरेट नहीं है, फेक सेंसर सारे। एंड इसमें टॉर्च भी है, तो फिलहाल ये टॉर्च किस काम आएगी, जब हम बाइक को अनलॉक करें या स्टार्ट करें, उतनी ब्राइटनेस तो है फिलहाल इसमें। बाकी गाइस ये इसके स्ट्रैप है, तो इनको लगा के हम देख लेते हैं, इस टाइप से कुछ लगाएंगे हम। और जिसके स्टेप हैं हम फिलहाल चेंज भी कर सकते हैं, अगर आप ऑनलाइन बाय करना चाहें या मार्केट से लेना चाहें, क्योंकि इसमें हम स्टेप चेंज कर सकते हैं, तो ये काफ़ी सही है। फिलहाल ब्लैक स्टेप में भी आती है ये वॉच। अभी गाइस हम इसमें ये स्टेप लगा के देखेंगे, और हम कोई भी स्टेप लगा सकते हैं अगर हम ऑनलाइन बाय करना चाहें या मार्केट से लेना चाहें, जो भी हमको सही लगे तो इस टाइप से हम लगा सकते हैं। फिट हो जाते हैं फिलहाल इसमें जो भी आप स्टेप लगाना चाहें, एंड देखने में भी काफ़ी सही लग रहा है ये देखिए स्टेप। और अभी बिल्कुल मैच कर रहा है, जिसका वॉच फेस है स्टेप से काफ़ी मैच कर रहा है, बाकी पहनने में भी काफ़ी सही है। तो स्टेप हम लगा सकते हैं कोई भी कहीं से भी बाय करके। तो चलिए इसमें देख लेते हैं कौन कौन से ऐप मिलते हैं, कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं हम। तो जो फर्स्ट ऐप है वो डायलर है, तो ब्लूटूथ कॉलिंग कर सकते हैं कनेक्ट करके, फ़ोन बुक है, कॉन्टैक्ट सेव कर सकते हैं, हार्ट रेट का है। फिलहाल इसके सारे जो हेल्थ रिलेटेड ऐप हैं फेक ही है फिलहाल। एंड ये है ब्लड ऑक्सीजन का, और ये हेल्थ ट्रैकर है, एंड ये है BPM के लिए। बाकी सेंसर सब में ही काम कर रहे हैं इसके, लाइट्स एंड स्पोर्ट मोड्स भी काफ़ी मिल जाते हैं रनिंग के लिए, बाइक राइडिंग के लिए, स्ट्रेंथ का है, वॉलीबॉल, इस टाइप के काफ़ी स्पोर्ट मोड्स हमें इसमें मिल जाते हैं। बाकी गाइस कैमरा है, एज अ सेटर यूज़ कर सकते हैं, और ब्लड प्रेशर के लिए भी एक ऐप है। एंड म्यूज़िक कंट्रोल कर सकते हैं इसमें, प्ले भी कर सकते हैं एंड रीसेट कर सकते हैं वॉच को, वेदर कनेक्ट सेट हो जाएगा जब ऐप के थ्रू कनेक्ट करेंगे हम। बाकी लुकिंग फॉर है, मोबाइल ढूंढ सकते जब करेक्ट होगी वॉच तब। एंड स्लिप के लिए ऐप है, बाकी मेन्यू स्टाइल यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं हम। मैसेज के लिए है, स्टॉप वॉच भी है, पॉज करें स्टार्ट करें। एंड QR कोड इसको स्कैन करके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। सेटिंग्स है, तो सेटिंग पर वॉच फेस को हम चेंज कर सकते हैं। सीरी है, गूगल असिस्टेंट ये चालू हो जाएगा, बाकी ऑफ भी कर सकते हैं वॉच यहाँ से डायरेक्टली। एंड और देखते क्या क्या है, यहाँ से लैंग्वेजेस हमको मिल जाती है जो कि हम चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से गाइस और भी काफ़ी मिल जाते हैं, यहाँ से हम टाइम सेट कर सकते हैं, और ये बैक लाइट टाइम है, मतलब कि ब्राइटनेस कितनी देर ऑन रखना चाहते हैं आप, और ये गो बैक टाइम है, मतलब कि ऐप कितनी देर ऑन रहे। तो इस टाइप के काफ़ी हमें फीचर्स इसमें मिल जाते हैं। बाकी स्प्लिट स्क्रीन को आप ऑफ एंड ऑन कर सकते हैं यहीं से, ब्राइटनेस के लिए भी एक मिल जाता है हमें ऑप्शन ब्राइटनेस एडजस्ट करने के लिए।
बाकी और देखते हैं। तो फेसबुक मतलब कि जब इसे कनेक्ट करेंगे तो बस नोटिफिकेशन आएगी जब मोबाइल से कनेक्ट करेंगे इसके ऐप के थ्रू। फाइटर पायलट एक गाइस में गेम है जो कि हम प्ले कर सकते हैं फिलहाल, इसमें हमें गेम भी मिल जाता है एंड काफ़ी सही लग रहा है अभी। और देखते हैं कैलेंडर है और इसमें कैलकुलेटर भी है, तो कैलकुलेटर ये भी काफ़ी सही। एक ब्रीथ के लिए इसमें ऐप है फॉर ब्रीथिंग एक्सरसाइज, इनहेल एक्सहेल के लिए। तो ऐप इसमें काफ़ी मिल जाते हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। बाकी वॉच तो काफ़ी सही है। ये इसका चार्जर है एंड ये एक वायरलेस चार्जर है, इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं अडेप्टर से, पावर बैंक, पीसी, लैपटॉप किसी से भी। और जो वॉच है आई थिंक गाइस चार्ज हो जाती है 1 आवर में एंड इसकी चार्जिंग स्टार्ट हो गई है और बैटरी बैकअप 1 से 2 दिन का है। बाकी इसका जो चार्जर है वो भी काफ़ी स्ट्रांग है। तो अब हम इसके ऐप से कनेक्ट कर लेते हैं। यूज़र मैनुअल में हमें क्यूआर कोड मिलता है एंड वॉच में भी हमें क्यूआर कोड मिलता है। इसके ऐप का नाम है हाई वॉच प्रो जो कि ऐप स्टोर, गूगल प्ले स्टोर दोनों जगह अवेलेबल है। तो पहले हम इसे स्कैन कर लेते हैं एंड देखेंगे। ये देखिए यहाँ पर लिंक आ चुकी है, इस पर हम टैप करेंगे और अभी थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ पर ऐप स्टोर, गूगल प्ले स्टोर है तो हम प्ले स्टोर पर जाते हैं एंड यहाँ से इसको हम इंस्टॉल करेंगे। बाकी इस टाइप से कुछ ऐप होता है, ये देखिए तो इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। अभी इंस्टॉल हो रहा है एंड इसे ओपन करेंगे तो यहाँ से एग्री करेंगे और कनेक्ट करना कैसे वो भी बताएंगे आपको। यहाँ पर सेट पर हम क्लिक करेंगे कनेक्ट करने के लिए और मोबाइल का ब्लूटूथ एंड लोकेशन ऑन होनी चाहिए। यहाँ पर लिखा है बाइंड डिवाइस टू एक्सपीरियंस मोर फीचर पर टैप करेंगे, अलाउ करेंगे। और गाइस वॉच का भी ब्लूटूथ ऑन होना ज़रूरी है तो यहाँ से पहले आप ब्लूटूथ ऑन कर लीजिए, इसका ऑफ हो तो ऑन कर लीजिए, इस टाइप से कुछ ऑन होगा। बाकी यहाँ पर देखिए आ चुका है T900 Pro Max, यहाँ से कंप्लीट करेगा 4 सेटअप जिसकी ये हैं। यहाँ से कंप्लीट होने के बाद टाइम वगैरह सब सेट हो जाता है। तो मैसेज पुश पर अगर आप जाएंगे यहाँ पर काफ़ी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप जो भी इनेबल करेंगे उसका नोटिफिकेशन आएगी वॉच पर। बाकी इसमें हमें कैमरा भी मिलता है, सो एज अ सेटर यूज़ कर सकते हैं। जब आप टैप करेंगे तो मोबाइल में पिक्चर क्लिक हो जाएगी इस टाइप से कुछ। सो यहाँ से हम अभी टैप फिर से करके दिखाते हैं आपको। टैप करेंगे टाइमिंग चलेगी और पिक्चर क्लिक हो जाएगी, एज अ सेटर यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये भी काफ़ी अच्छा सिस्टम है इसका। ये देखिए पिक्चर क्लिक हो गई जो कि गैलरी में सेफ हो जाती है एंड और भी देखते हैं हम इसके क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। बाकी गाइस इसमें डायल सेटिंग्स है, हम वॉच फेस इसमें सेट कर सकते हैं गैलरी से भी। बाकी हमें काफ़ी इस टाइप के भी मिल जाते हैं, ये देखिए जो कि हम सेट कर सकते हैं लाइव वॉच फेसेस है इसमें। तो ये सेट करके हम देखते हैं एंड रेटेड पर क्लिक करेंगे और 0 to 100 होगा अभी ये। तो ये देखिए इस टाइप से वॉच में भी चलेगा। तो अभी हो चुका है, अब वॉच स्विच ऑफ होके ऑन होगी। ये देखिए तो इस टाइप से कुछ आ गया, देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप कोई भी सेट कर सकते हैं इस टाइप से एंड गाइस पे काफ़ी अच्छा फीचर है देखिए एक्टिव रेस का। तो यहाँ पर अगर हम इसे इनेबल कर देते हैं, ऑन कर देते हैं तो आप कहीं पर भी बिजी हो, थोड़ा सा मूव करेंगे अपनी रेस को तो इस टाइप से आप कुछ टाइम देख सकते हैं। देखिए आ गया, मतलब ये भी काफ़ी मुझे अच्छा फीचर लगा एंड इसके लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे अगर आप बाय करना चाहते हैं। प्राइस 699 rupees है, 699 rupees। सो ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। एंड से टच को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। टेक केयर, बाय बाय।